हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी, तीनों लोग भी ठीक हैं। अभी मिस्टर नहीं है, अभी आए नहीं हैं। आज हम लोग बैठे थे, कल बच्चे बहुत परेशान हो गए थे, पापा से पॉकेट मनी लेना भूल गए थे। इनको भी सैलरी मिलती है। कितना हुआ है आप लोगों की सैलरी? 160। पहले हेलो तो करिए। हेलो हेलो। इनकी सैलरी कितनी हो गई है? 106। 6 रुपये तो इधर उधर से सिक्का ढूंढ के ले लिए हैं, बाकी 10 10 वीक से इनका मिल रहा है, पॉकेट मनी ले रहे हैं। और ये इनकी पॉकेट मनी ऐसी है, इसमें से कुछ खर्चा नहीं करना। जो चीज़ चाहिए खाने को या कुछ भी चाहिए तो पापा से डिमांड करेंगे। ये केवल, मतलब बस इसको इसमें रख रहे हैं, केवल इकट्ठा कर रहे हैं, इसको खर्चा नहीं करना है। और मुझे भी मिलती है सैलरी, कभी 500 कभी 1000 मेरी मंथली है। इनकी एक सप्ताह पे है, मेरी एक सप्ताह पे नहीं है। जब इनकी सैलरी आती है, जब आए, जब कभी 2 मंथ पे आती है तो 2 मंथ पे भी मिलता है। मतलब आप लोग सोचें 2 मंथ, वो आधा इंग्लिश आधा हिंदी, मतलब 2 महीने पे आए तो 2 महीने पे मिलता है, 1 महीने पे आए, ज़्यादातर तो 1 महीने पे आ जाता है। कभी कभार कोई दिक्कत होती है तो मुझे भी मिलता है, कभी 1000 रुपया कभी 500। मेरी भी वही आदत है, सैलरी में से बिल्कुल खर्चा नहीं करते हैं। दोनों बच्चे लगे हुए हैं, सैलरी में से बिल्कुल खर्चा नहीं करते हैं। जो भी मुझे ख़रीदना है या बच्चों को ख़रीदना है, कुछ भी ख़रीदना है तो सब कुछ करवाएंगे। ये तो कहते हैं बहुत बढ़िया, तुम लोगों का तो बढ़िया है कि मुझे सैलरी मिलती है तो उसमें से सबको सैलरी भी दो, फिर खर्चा भी करो, और तुम लोगों की सैलरी मिलती है वो जमा हो जाएगी, और जो खर्च जो भी मतलब चाहिए तो मुझसे लेती हो। तो अभी कल ये कह रहे थे नहीं देंगे, अब देंगे। जिसको जिसको सैलरी देंगे तो वो अपनी अपनी सैलरी से ही अपना खर्चा चलाएगा। और बच्चों को कहते हैं आप लोग अपनी सैलरी से फीस भरिए, बताइए कहाँ से भर पाएंगे। सब बच्चे कहते हैं काफ़ी महंगा हो जाएगा पापा, रहने दीजिए, हम लोगों को सैलरी नहीं चाहिए। फिर कुछ भी खरीदते नहीं हैं, अभी 10 सप्ताह से लिए हैं बच्चे, ऐसे ही रखे हुए हैं, दे भी देते हैं ये भी शौक से कि चलो रखे रहें। सबको सुनते हैं ना पॉकेट मनी पॉकेट मनी, तो मेरा भी ऐसे है, कुछ भी खर्चा नहीं करते हैं। मेरा खर्चा होता है जब मायके जाते हैं, कुछ भी गोल्ड का या सिल्वर का कुछ भी चेंज करना हो बनाना हो तभी खर्चा होता है, वरना मेरा भी खर्चा नहीं होता है। ये लोग बाहर जाने के लिए परेशान हैं, इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि हम रोके हुए हैं। हम कह नहीं, बहुत जल्दी भाग जाते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर ध्यान लगाए रहते हैं तो भाग चलते हैं, कह आज नहीं जाना है। तो दोनों परेशान हो गए हैं कि चलिए फिर इनको भेजते हैं। अभी मेरी ऑनलाइन शॉपिंग के सब सामान आ गए हैं, यही सब सामान मंगाए थे, बहुत कुछ नहीं था। मोस्ट ये था, मोस्ट तो टमाटो सॉस था, टमाटो सॉस बिल्कुल नहीं था क्योंकि दुकान से अभी सामान लाने में इनके समय है, तो इस समय ठंडी का समय भी है तो कुछ भी बनाओ, पराठा बनाओ या चिल्ला बनाओ तो अच्छा लगता है टमाटो सॉस के साथ। तो यही था, बाकी ये भी ख़त्म हो गया था तो ये मंगवाए हैं, क्या कहते हैं, बॉडी लोशन ख़त्म हो गया था और ठंडी में इसकी बहुत है। अभी थोड़ा बहुत काम चल रहा है लेकिन इनको बिल्कुल नहीं पसंद कि जैसे ठोक ठोक और निकालें, इनको रहता है कि पूरा भरा रहे। पेस्ट भी इन लोगों की आदत है, टूथपेस्ट है, अगर थोड़ा सा खाली मतलब थोड़ा ज़्यादा दबा के निकालना हो तो फेंक देंगे ये लोग। फिर मतलब मेरा रहता है 2-4-10 दिन उससे काम चलाते हैं, नया निकाल के ये लोग ले लेंगे, फिर 2-4-10 दिन उसी से काम चलाएंगे। मैगी है, कॉर्नफ्लेक्स है, बिस्किट्स है, ज़्यादा जैम है, यही सब सामान है। थोड़ा बहुत इसमें रहता है ना राशन के सामान में, कोई कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया 20 रुपया ऐसे करके भी मिल जाता है। मतलब बहुत सारे सामान मंगवाइए तो ये टोटल 20 सामान है, तो उसी में ना आया इनका। इसको भी चले रखे, नहीं तो सुबह का दे गया है, ये थे भाई 11 बजे के दे गया है, अभी आएंगे तो कहेंगे मिलाए, मेन मिलाए नहीं थे, इनको देर हो रहा था तो बस ले के रख दिए। और वो लोग ऐसे ही ले आते हैं, बकेट में ले आते हैं, बस आप अपना कुछ मतलब झोला या कुछ भी दीजिए उसमें डाल देंगे, रख के चले देंगे, चले जाएंगे। तो कहे थे कि मिला के तब रखना, जो जो सामान ऑर्डर की थी इसको पहले हटाए। अभी जा रहे बाहर टहलने, रख दिए सामान, रख दिए सारे,
मिलाए रहते हैं, वैसे भी वो लोग तो मिला के देते ही हैं, ऐसा थोड़ी ना रहता है कि मिला के नहीं दिए रहते हैं, लेकिन अपने भी एक काम रहता है कि मिला लें। जा रहे बाहर, स्वेटर निकाल लिए क्योंकि ठंडा बाहर है, अंदर नहीं लगता लेकिन बाहर काफ़ी ठंडा है। जा रहे बाहर अभी, क्योंकि ये भी आए नहीं हैं तो करें क्या, नाश्ता में सोचे थे कुछ बनाएंगे लेकिन ये आए नहीं, अभी इन्हीं की वजह से। अगर ये नहीं, अब और देर कर देते हैं तो फिर चाय भी नहीं पीते हैं, छोड़ देते, क्योंकि खाना खाते समय चाय पियो तो फिर भूख मर जाती है। जा रहे बाहर, थोड़ा सा टहल लो बाहर तो इससे रिलैक्स हो जाता है, नहीं तो काफ़ी उलझन होने लगती है। आज रात के खाने में बना रहे हैं लिट्टी चोखा। आज संडे है लेकिन आज है पचकोस का लिट्टी चोखा, पता नहीं सबको पता होगा कि नहीं होगा, ये हम लोगों की तरफ होता है, तो जब पता चल जाता है तो फिर मन करता है बनाने का। पूरी तैयारी कर लिए हैं, ये चोखा है हम लोगों के, फ्राई करके नहीं बनाते हैं, मतलब आलू बैंगन टमाटर पका के, और बस मतलब उसमें प्याज लहसुन अदरक मिर्चा काट के डाल के ऐसे ही बनाते हैं। पूरा विस्तृत तो नहीं दिखाए थे क्योंकि अभी एक आध महीने पहले ही बनाए थे लिट्टी चोखा, तो उसकी रेसिपी दिखाए थे, जिसको पूरा विस्तृत देखना हो वो मेरा पुराना वीडियो देख सकता है। ये है सतुआ, सतुआ में भी वही चोखा वाला ही सब कुछ पड़ता है, मिर्चा लहसुन प्याज अदरक अजवाइन नींबू तेल नमक वही है, आटा भी लगा के रख लिए, पूरी तैयारी कर ली है, केवल अभी बनाना है। आटा भी लगा लिए है, आटा थोड़ा पहले लगा दो तो काफ़ी, इसका थोड़ा कड़ा आटा रहता है तो पहले लगा दो तो सही हो जाता है। अभी बनाना शुरू करते हैं, स्टैंड में ही बनाएंगे, छान के नहीं बनाएंगे, काफ़ी बन जाता है, साथ साथ एक बार में निकलता है तो मेरी फैमिली के लिए काफ़ी होता है, एक बार में निकाल दूँ तो इनका हो जाता है, फिर इनका बच्चे का लगता है कि बड़ा वाला खरीदे हैं, हो जाता है काम, और बड़ा वाला खरीद लो तो फिर ये यूज़ नहीं होगा, ये भी है, ऐसे तो ये यूज़ भी हो जा रहा है। ये वीडियो मेरा एक दिन पहले का है, वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा था तो इसलिए उसमें नहीं ऐड किए इसको। इसमें घी लगा के गोल गोल सॉफ्ट सॉफ्ट बन जाता है, घी लगा के लिट्टी बन गया है, इसमें घी लगा देंगे, बिल्कुल ये लगता नहीं है कि जैसे गैस पे बनाया हुआ है, जैसे बिल्कुल टेस्ट आता है आग पे बना हुआ, और बहुत लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा, ये सब बहुत लोगों को ये पसंद आता है, तो आप लोगों भी आ जाइए या अपने घर में बना के खा लीजिए। इनको ले जाके देते हैं, पूरा गल दिए हैं, पूरा बस एक बार के, और साथ रखा हुआ है, साथ डाल दिए हैं, जो बच जाएगा तो सुबह खाएंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें दूसरे दिन काफ़ी अच्छा लगता है। अभी अपना खाना भी लेके आए हैं, ये तो मूली भी लिए थे, मुझे नहीं पसंद है मूली चावल के सिवाय, रोटी के साथ मुझे मूली नहीं पसंद है। अभी ये फ़ोन पे बात कर रहा है इसलिए उधर कमरे में नहीं खा रहा, नहीं तो रात का खाना तो उधर ही रहता है टीवी देखते हुए, लेकिन किसी से ज़रूरी बात कर रहे हैं तो फिर हम लोग चले आए इधर। ओके,
सॉफ्ट बन जाता है, बहुत पतला पतला बनाते हैं ये, एक तो छोटा उसमें अटने मतलब उसमें अच्छे से आ जाए उसके लिए बनाते हैं, केवल सतुआ ज़्यादा रहता है और आटा कम रहता है। दाना देखिए कुछ ज़्यादा निकल गया है। वीडियो का भी एंड करते हैं, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और न्यू हो सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए, और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा मेरा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।